एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इसके एग्जांपल्स और कंडीशन क्या क्या है, इसकी सारी डिटेल्स को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। तो जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट की वह पावर जिसके तहत कोर्ट किसी केस को डिसाइड करता है या फिर कोई पर्टिकुलर डिक्री इशू करता है, ये मतलब होता है हमारे ज्यूरिसडिक्शन का। आइए अब जानते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है। द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। इस सेक्शन का मतलब है कि जो कोर्ट है उनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा सभी सूट्स को ट्राई करने का जो कि सिविल नेचर के हैं, और सिर्फ उन सूट्स को छोड़कर जिनका कॉग्निजेंस लेने से या तो एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली उस पर रोक लगाई गई हो, बार्ड लगाया गया हो, सिर्फ इन सूट्स को छोड़कर बाकी सभी सूट्स का ज्यूरिडिक्शन होगा जो सिविल नेचर के है, ये कहता है हमारा सेक्शन 9। अब आपको इस सेक्शन में दो वर्ड्स देखने को जरूर मिले होंगे लास्ट में। एक तो फर्स्ट सूट एक्सप्रेसली बार्ड और सेकेंड है सूट इंप्लाइडली बार्ड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है ये हम जानेंगे। फर्स्ट है सूट एक्सप्रेसली बार्ड, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कोई लोकल लॉ बना देती है या कोई स्टैट्यूट ऐसा लेके आती है जिससे सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बार्ड हो जाता है, वो केस फिर सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता। जैसे रिवेन्यू कोर्ट बना दिया तो रेंट से रिलेटेड वो रिवेन्यू कोर्ट में चलेंगे, इस कोर्ट में नहीं चलेंगे। तो ऐसे केसेस को एक्सप्रेसली बार्ड बोलते हैं, सिविल कोर्ट्स उनको ट्राई नहीं कर सकती। जैसे फैमिली कोर्ट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स, तो इनका एक अलग ज्यूरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट इनको ट्राई नहीं कर सकती। ये होता है हमारा सूट एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब। अब नेक्स्ट जो है सूट इम्प्लाइडली बार्ड, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सपोज कीजिए मैंने कहीं पर डोनेशन कर दिया और बाद में जाके मैं ये कह दूँ कि मेरा डोनेशन मुझे वापस कर दो, मुझे मेरा डोनेशन चाहिए, और मैं फिर मुझे मेरा डोनेशन जो है नहीं मिलता। मैं कोर्ट में जाके ये कह दूँ कि मेरा जो डोनेशन था, जो मैंने डोनेशन किया वो मुझे चाहिए। इस केस में जो मेरे राइट हैं, तो मेरा राइट तो किसी ने इन्फ्रिंच किया ही नहीं, किसी ने वॉलेट किया ही नहीं, तो तब मेरा राइट यहाँ पर इन्फ्रिंच ही नहीं हुआ तो सिविल रॉन्ग कैसे होगा। तो ये सिविल नेचर का नहीं होगा, इसीलिए इसे इम्प्लाइडली बार्ड कहा जाएगा। अब इस सेक्शन की भी दो कंडीशंस है सेक्शन 9 की। सबसे पहली कंडीशन जो है सूट जो है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। जो सूट सिविल नेचर का है तो सिविल कोर्ट को ट्राई करने का ज्यूरिडिक्शन है उसे, अगर सिविल नेचर का नहीं है तो उस को राइट नहीं है। अब सेकंड जो कंडीशन है इसकी ये है कि नहीं उसका कॉग्निजेंस लेने से एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली उस पर बार तो नहीं लगाया गया है, बार्ड मीन्स उस पर रोक तो नहीं लगाई गई है, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है इस सेक्शन में, कि एक तो सिविल जो हमारा सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए, और सेकंड में ये देखना चाहिए कि कहीं उस पर बार्ड तो नहीं लगाया एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब इस सेक्शन की दो एक्सप्लेनेशन है उनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि अगर किसी मुकदमे के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस को कंटेस्ट किया गया है तो वो सूट सिविल नेचर का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी मुकदमे के अंदर प्रिंसिपल क्वेश्चन बाहर निकल के आ रहा है वो सिविल नेचर का है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो इशू किसी प्रिंसिपल, किसी रिलीजन राइट्स या सेरेमनीज के ऊपर डिपेंड करता हो, क्योंकि जो रिलीजियस कास्ट सेरेमनीज क्वेश्चन होते हैं वो सिविल नेचर का नहीं होते। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन की। सेकंड एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं वो क्या कहती है। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि जिस ऑफिस की बात की गई है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, उसके साथ कोई फीस अटैच हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह गया हमारा एक्सप्लेनेशन सेकंड। और ये भी कह
कह रहा है हमारा ये सेक्शन कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो ऑफिस है किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच है या नहीं है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कोई भी सूट सिविल नेचर का तब होगा जब वो संबंधित यानी लिंक होगा सिटीजन्स के प्राइवेट राइट्स या ऑब्लिगेशन के इन्फोर्समेंट से, लेकिन जो मैटर है वो प्योरली सोशल है तो इस सिचुएशन में सिविल नेचर का नहीं होगा। सिर्फ वही होंगे जो सिटीजन्स के प्राइवेट राइट्स या ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्समेंट करेगा, सिर्फ वही सिविल नेचर्स के होंगे। अगर वो प्योरली सोशल है तो इस सिचुएशन में वो सिविल नेचर का नहीं होगा, ये कहता है हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि सिविल नेचर के सूट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये सूट सिविल नेचर का है या सिविल नेचर का नहीं है। तो आइए जानते हैं, पहले हम एक बेसिक सा डिफरेंस जानेंगे सिविल नेचर में ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन। इसका मतलब है कि किसी भी सिटीजन के जो राइट हैं उसके खुद के हैं या वो रेमेडी चाहता है कि उसके राइट्स को किसी ने हार्म किया है, तो ये सब आता है हमारा सिविल नेचर में, ठीक है। और नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारा कि क्वेश्चन ऑफ कास्ट आ जाए, रिलीजियस राइट सेरेमनीज ये आ जाए तो ये प्योरली होने चाहिए, प्योरली कास्ट रिलीजियस सेरेमनीज से रिलेटेड होने चाहिए ये, तो ये सिविल नेचर के नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे सिविल नेचर के कि कौन कौन से सूट सिविल नेचर के होते हैं। सबसे पहला सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से जितने भी सूट रिलेट करते हैं वो आते हैं, राइट ऑफ वर्शिप्स, सूट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन, मैरिज, रेंट, सूट फॉर एन अकाउंट, सिविल रोंग, ये आते हैं हमारे सारे सिविल नेचर में। अब जो नहीं आते हमारे सिविल नेचर में वो सूट वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे। सूट रिलेटिंग टू प्योर, प्योर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, प्योर रिलीजियस सेरेमनीज, सूट इन्वॉल्विंग प्योरली कास्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सूट रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अगर कोई सूट है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है तो वो सिविल नेचर का नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेक्शन 9 क्या बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, विद एग्जांपल्स हमने समझा इन डिटेल। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़।